इट्स ऑसमनेस, बहुत ज्यादा कमाल किया गया है यहाँ पे, और अब एक एक करके सबसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं यहाँ पे. एंड नाउ आफ्टर मिस्टर बॉबी खान, कैप्टन ऑफ द शिप, यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं भाई इस फिल्म के, उनकी बात भी कर लेते हैं. अच्छा म्यूजिक होगा तो टी सीरीज का वहां होना बनता है, और ऐसे में द हेड होंचो, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑफकोर्स द चेयरमैन ऑफ टी सीरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर भूषण कुमार ऑन स्टेज. उनके साथ साथ यहां इनवाइट करना चाहूंगा मैं उनको, जो कि लिटरली सारे एक्टर्स को अपनी उंगलियों के निशारे पे कुछ तो भी करवाते रहते हैं. ही इज द वन एंड ओनली मिस्टर अहमद खान. सारे अवार्ड्स यार, स्क्रीन अवार्ड की बात करो, फिल्म फेयर अवार्ड की बात करो, सब कुछ इस साल इनके नाम हुआ है, और इससे पहले भी इनके जलवे हमने देखे हैं, इशाने हैं, इशारों पे निशाने. एंड नाउ उनकी बेटर हाफ एंड ऑफकोर्स द को प्रोड्यूसर ऑन द मूवी, शायरा खान के लिए जोरदार तालियां. गुस्ताखी हो जाएगी अगर अब स्टारकास्ट को यहां नहीं बुलाया गया. सो जो मर्द लोग हैं जिन्होंने मर्दानगी दिखाई स्क्रीन के ऊपर, एक एक करके यहां पे बुलाएंगे. सबसे पहले मिस्टर मोहित अहलावत. कम ऑन लेडीज, कम ऑन, मेक सम नॉइज. लेडीज में एक मर्द ने वास्ते वाले, कमाल हो भाई. मिस्टर जय भानुशाली, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां. मिस्टर, वो चिल्लाए थे अभी, सबके दिल में खौफ आ गया, लंदन वाली जिन्हें बहुत जोर से पसंद है, मिस्टर जस अरोड़ा, जोरदार तालियां. एंड मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर अजय कपूर एंड मिस्टर विनोद भानुशाली फ्रॉम टी सीरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज. ओवर टू यू गाइस. क्लिक क्लिक क्लिक. और कोई बाकी है? हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा जब तक हल्ला नहीं होगा कैसे बुला लेंगे. बुलाएंगे यार, प्लीज, कम ऑन यार. कोई बचा है क्या? कोई बचा है? You gotta make some noise. We gonna do it without. Woo! Woo! You know, you will have to call for Leela. खुद नहीं आए तो गोद में उठाने ले आए हैं. She's saying, I am not gonna come जब तक हल्ला नहीं मचेगा. The Queen of Seduction, ladies and gentlemen, give it up for Sunny. Woo! जब उनको नहीं बुलाया तब जोश निकला सबका यहाँ पे कि हाँ यार ये कैसे कर सकता है. Good morning. Sab uthe na? Well, I guess I will start and say thank you so much for being a part of our very, very special day today. Hum is movie ke liye kya kya kiya? You guys will never know. to make it look grand, to make it look beautiful. And our whole cast and crew is here. Our crew is here, sitting here. Who's worked very hard, and thank you so much. अभी जैसे आपने बोला क्या क्या किया किसी को मालूम नहीं है, तो सारे राज धीरे धीरे खुल जाएंगे. Once we are done with the stills, yeah, cool. Thank you so much. And now it's time for the question answers. तो यहाँ पे बॉबी सर आपसे शुरू करने वाला हूँ मैं. एक सवाल जो सबसे पहले जी आप लोग विराजमान हो जाएं. जी जी, we have enough chairs. Super. Hello. Bobby sir, this one's for you. Yeah. Story mind mein leke aata hai and then puts it into celluloid on silver screen. Right. So I think it's always better. कि जो दिमाग में है, दिल में है, उसको क्रिएट करना, जो मैंने सोचा था लीला के बारे में. And I'm actually it's gone above my expectations. Right. Thank you. I mean all thanks to three very important people. Firstly, I would say Leela for agreeing to do my film and play the title role. A very big thank you to Sunny for that, for being a part. And then secondly, my brother Ahmed for bringing his creative inputs and expertise. Right. And put the whole project together.
तो मैंने सोचा था मैं एक फिल्म लीला इतनी बड़ी बनाऊंगा, पर इतनी बड़ी बनेगी माशाल्लाह मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। इट्स बिकम आई थिंक टू बिग, सो आई एम वेरी नर्वस नाउ। एंड थर्ड पर्सन माय वेरी वेरी ओल्ड वन, वेरी डियर फ्रेंड, जिसके साथ मैंने इतने म्यूजिक वीडियो किए हैं, एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट इन द बिगनिंग ऑफ करियर। तो आज अगर मैं हूँ यहाँ पे तो डेफिनेटली थैंक्स टू भूषण कुमार। राइट, भूषण जी की बात की है, T-Series is synonymous to good music, अच्छा म्यूजिक है, एंड बीइंग अ रेडियो प्रोफेशनल आई कैन से जो भी हमने यहाँ झलक देखी बहुत धमाल होने वाला है, बहुत तोड़ू म्यूजिक है, इट्स अ म्यूजिकल, 9 songs, सो वो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन था कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाए। सी एग्जैक्टली वो रीजन नहीं था क्योंकि हम म्यूजिक पे तो अब एवरी टाइम हर फिल्म में हमें लोग म्यूजिक के लिए पूछते हैं जी, और अभी हमने बेबी बना के ये प्रूव कर दिया है कि हम म्यूजिक के बिना भी फिल्में बनाना चाहते हैं। बट ये फिल्म को बनाने का रीजन कुछ और था। आई गो लॉन्ग वे विद बॉय भाई एंड अहमद भाई, आई थिंक 18 years, द टाइम आई स्टार्टेड रनिंग माई बिजनेस, तो दे वर वेरी सपोर्टिव विद मी इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक वीडियो। आई नो आई एम टेल टू टेल अहमद भाई एवरी टाइम के यार प्लीज बजट में कर दो, हमें कम बजट में वीडियो बना। सो आई गो लॉन्ग वे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बॉय भाई कि ही इज डेब्यू फिल्म विद मी। I'm very very excited. So I wanted to give him the best of the music, and I guess means we have delivered that. So thank you very much, boy bhai. Thank you. So you have done a great job, and I'm very proud of you. Wow, super! Thank you, boy. It means a lot to me coming from a man like him, yeah. I mean, I can never ask for a better producer, a better friend, a better brother than him. Superb, superb. Ahmed bhai, आपसे अगला सवाल और थोड़ा controversial हो सकता है। कल आपकी और शायरा मैम की एनिवर्सरी है, नहीं बता रहा हूँ नहीं, लेकिन उसमें क्या है, अभी निकलेगी। कैसा लगता है जब वही आपकी बेटर हाफ वही आपके साथ काम भी कर रही है, को प्रोड्यूसर है, एंड यू गेट टू मतलब यार डिस्कस सनी ऑल द टाइम, मतलब यहाँ भी वहां भी हर समय, है ना, लकी हो वैसे आप, इजंट इट? ओके, पहली बात तो कंट्रोवर्सी है ना, जो कि मेरी एनिवर्सरी है कल, और मैं जब फिल्मफेयर लिया था मैंने कहा था आई एम न्यूली मैरिड एंड टुमारो इज माय आफ्टर 4 days माय 17th एनिवर्सरी, तो सब शॉक हो गए थे। तो कल हमारी शादी को 17 साल हो गए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रीटिंग्स, इसने दिया नहीं बट थैंक यू। दूसरी बात, शी इज नॉट अ को प्रोड्यूसर, शी इज अ प्रोड्यूसर, आई एम अ को प्रोड्यूसर। अच्छा, यू नो, एंड रही बात टॉकिंग अबाउट सनी, इज लाइक when she did her first, I think so, an item song I can say, and वो मैंने किया था लैला from Shootout at Wadala, तो वहीं से relation बहुत अच्छे हो गए थे, and Shaira and Sunny became better friends than what we are, and we are only professional, they are better friends, so discuss मैं नहीं, Shaira मेरे साथ Sunny के बारे में करती है, तो there's no issue। Amazing, बहुत अच्छे से संभाल लिया, कोई controversy होनी नहीं दी है ना। रही बात मुझे भूषण कुमार के बारे में कुछ कहना है, भूषण जी हमेशा कहते हैं ना कि मैं हमेशा अहमद को बोलता हूँ कि कम बजट में कर लेना, और मैं अग्री इसलिए होता था क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर आते हैं बोलते हैं एक गाना कर लो यार, ये आते हैं 10 गाना लेके तो कम बजट तो रहता ही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है तो मैनेज हो जाता है, तो आई हैव ओपन्ड द रीजन टुडे। दैट्स सुपर्ब। और अब आते हैं मेल लीड्स के ऊपर, जस भाई, जय एंड मोहित, आप लोग ने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है ना, इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे, लेकिन रुकिए ओके, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए संभालना पड़ेगा, आपने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया इस फिल्म में, एज इन किसको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा सनी के साथ, उसके लिए तीनों के लिए सवाल है। वी शुड नॉट डिस्क्लोज दिस राइट नाउ, कुछ तो बताना पड़ेगा, मारपीट वो झापड़ आपा जो चले, मैंने अपनी बॉडी सनी के लिए बनाई थी सिर्फ। जय, आपका क्या कहना है? हाँ? जो जी सॉरी, यूज भी उसी पे किए मैंने, आफ्टर लॉट ऑफ डार्कनेस सनी डेज आर बैक फॉर मी, सो सनी सनी सनी। मोहित, आपका क्या कहना है बॉडी का इस्तेमाल लाइक लड़ाई मार धाड़ में और भी कुश्ती वगैरह में? इतने बड़े के लिए समझे यार क्या हो रहा है सर, मतलब स्क्रीन पे ये बॉडी आपस में लड़ाई मारधाड़ होने वाली है फॉर सनी? या होने वाली है, बस इसको अच्छे से रख दिया हमने यहाँ पे सबके लिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर टू द मीडिया, अब आपके मन में जो भी सवाल हो उमड़ रहे हो आप पूछ सकते हैं।
very, very challenging role. It wasn't, when I read the script, I loved it. But when actually becoming Leela would take, you know, 2-3 hours to become her. The first day it took us 6 hours to finalize the look that you're seeing behind me. Made it both difficult, but I had a lot of support and I had a lot of good people on my team. My hair makeup team, this Hitesh, who did the styling for this movie, with the help of Shaira and Emmett and everybody. So there was a lot. There was a lot that went into every tiny detail. Mr. Emmett Khan and Shaira critiqued, and also made sure that it was perfect, which is what it needed to be. There was no room for error. Becoming Leela, the dialogue for Leela was difficult as well, because it was instead of mere, it was mare. Instead of tere, it was tare. So learning all that was difficult, but I think when people watch it, they'll see all the hard work that was put into this role. Hi, Sunny. This is Urvi here. Can you repeat? Where are you? Hi, Sunny. This is Urvi here. Hi. Sunny, you are rumored to play a triple role in the film. How true is that? It's there's one role, which is the present, and then there is one role, which is the past. But with the present, I go from being, you know, a glamorous model, then to meeting Mr. Ranveer Singh, who's the prince in the movie, played by Mohit here, and I become a princess. And from there, there's a flashback. From the flashback, I'm Leela Gao Ki Larkiyo. And it was a lot of fun playing all three. So how did you manage slipping into three different characters? Well, it wasn't three different characters, it was two. There was just two looks given to one character, because after I meet the prince, just like every girl wants to meet a prince in life, the wardrobe changes, the hair changes, all that does change after you marry a prince. You're not just regular jean and t-shirt girl anymore. So that part wasn't difficult. I think the most difficult part was, you know, just making sure that the looks and everything in this movie was, I guess, that we would give it justice. Sunny ma'am, how difficult was the dance choreography for you, especially with Bobby sir as the director and Ahmed sir as the producer? Well, we would rehearse a lot while we were shooting. Jab we, you know, break milta tha, you know, rehearsals karte the, on set, off set, after work, before work. And it's easy working with Emmett when it comes to choreographing, because he works with what he has, and he knows my body, he knows what's going to look good on me, he knows, you know, how I'm going to create Sunny to do something that I need her to do, but make it in a way that works for me. So you were very good at that. सनी हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? इस बार तो आपने हिंदी, मैं हिंदी बोलती हूँ, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, सो मैं क्या करूँ? हाँ, और अब तो आप पाकिस्तानी भी बोल रही हैं। अभी तो धारे और मारे भी कहती हैं। सनी, सनी आप डांस टू द ट्यून्स मेड पॉपुलर बाय द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस लाइक? हैव यू हैड अ वर्ड विद ऐश्वर्या एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर पर्सनली? I don't think that there's anybody in the world like her. I think that she's a very, very talented person, a talented woman. I don't like getting compared to her because I think she's so great that, you know, I hope that, you know, my dancing skills or maybe acting skills maybe be half as good as her. But I think after you see the hard work in this movie, you might put me up another notch. आपने वो गाना देखा था डोली तारो गाना आपने देखा? हाँ, मैंने रेफरेंस देखा था एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉडनेस, मैं ये कैसे करूँ? सो इट्स डेफिनेटली इंटिमिडेटिंग. जब मैंने वो गाना देखा, आई वाज लाइक ओह जीस, व्हाट एम आई गोना हैव टू डू? बट लाइक आई सेड, एमिट ने इतना ईजी बनाया लाइक फॉर मी टू डू दी स्टेप्स. वी वर्कड ऑन, you know, all the different things that he wanted, whether it was Indian, whether it was Western, you know, because
you know, all the different songs are very different from each other. सलमान खान थे इस सॉन्ग में आपके सलमान खान कौन बनाए ये लोडेड क्वेश्चन है इस मूवी में The song, the song, Salman was an integral part of the song. So, who has substituted Salman Khan in this song? In Doli Taro, it's Rajneesh is not here. Unfortunately, he's. I think he's working. Jay, a question for you. I remember during Hate Story 2, you said that you were more nervous than Surveen during those intimate scenes. How was it like with Sunny Leon this time around? How nervous were you? मारे बाबू पूरा टाइम हंस रहे थे क्या I was looking at him started laughing I was like आप हंस रहे हो क्यों कब की बात बोल रहे हो but there's no intimacy हाँ first of all मतलब बोला जो whole story में जो था वो वैसा नहीं है so बात बाहर निकालना बंद कर दो बेटा हाँ मनी मन में ऐसा लगता है फोटो तुम्हारे So hopefully इस मूवी में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा जितना भी यू नो मेरे साथ हुआ है यू नो जितने भी रोमांटिक सीन्स किए हैं सनी के साथ आई होप यू नो कपल ऑफ वीक्स और समथिंग गाने रिलीज हो जाएंगे चैनल्स पे तो आपको पता चलेगा फिर बाद में वापस बात करेंगे सनी भावना डिसाइड फ्रॉम जी न्यूज सनी आप प्रोमो में हमने देखा आपका एक डायलॉग छोटी स्कर्ट के लिए छोटी नहीं बड़ी सक्सेस के लिए छोटी स्कर्ट जरूरी है व्हाट इट इज व्हाट वाज इट डायलॉग द डायलॉग वाज ग्लैमर इंडस्ट्री में शॉर्टकट शॉर्ट स्कर्ट ओके और आपको हम फुल देसी अवतार में देख रहे हैं साड़ी में आपको पर्सनली क्या पसंद है I love the outfit I'm wearing today. it depends on kya kya ho raha hai din mein. You know, you want to wear a short skirt, you wear a short skirt. You want to wear a sari, then I will definitely wear one. Acha, ab to kafi achhi Hindi seekh gayi hain. Aap, aapki film ka title hai Paheli Leela. Kya Paheli kya hota hai? Thoda samjhaiye. Mr. Bobby Khan, I think would answer that question. Yeah, Paheli Leela. Aap log dekha na. नहीं हमने प्रोमो तो देखा है मैं लिटिल मीनिंग जानना चाह रही हूँ क्या सनी को पता है पहेली क्या होता है इट मींस फर्स्ट आई डिडंट नो दिस वाज इंग्लिश क्लास और हिंदी क्लास मिस्ट्री सनी इस फिल्म में आपने बहुत मारी थारी सुप्रिया प्लीज आंसर नहीं आया अभी सनी आप कुछ बता रही थी मिस्ट्री There's one Leela, ek hai, pehli hai, she's the first. Before any other Leela, it's a riddle. You're gonna have to figure it out. I think kuch confusion hai, pehli nahi, paheli hum puch rahe hai. Paheli, aapko pata hai kya hota hai? That's what she said. Pehli hai, dusri hai, tisri hai, it's a riddle. He'll come for the class. And now, Supriya. Haan, Supriya. Kaun? Thanks. Ji, aaiye. सनी इस फिल्म में आपने काफी मारी थाई लैंग्वेज यूज की है राजस्थानी लैंग्वेज यूज की है क्या आपको डब करने की जरूरत पड़ी है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस रखी गई है फिल्म में वेल व्हेन इट कम्स टू डबिंग आई गिव ऑल माय हिंदी में बोलूं जब मैं मूवीज बनाती हूँ मैं सब प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्शन देती हूँ अगर मेरा वॉइस यूज करना है कोशिश करना है दैट यू वांट मी टू डू इट मैं कोशिश करूँगी अगर वो वॉइस फिट नहीं होता है देन आई गिव द ऑप्शन दैट यू नॉट गोना हर्ट माय फीलिंग्स और माय प्राइड एंड यू शुड यूज जो भी वॉइस आपको अच्छा लगता है सो फॉर दिस मूवी आई एम नॉट डबिंग माय ओन वॉइस बट मे बी फॉर अदर मूवीज आई विल इस मूवी में आई बीन थिंकिंग अबाउट दिस ऑल नाइट कौन सा डायलॉग बोलूँ वन इज तू होते कान मेरे रणवीर को हाथ उठाने वाले वो सुहाग है मारा So good. जो भी इसे छुएगा मेरा आग लगा देगी
my question goes to तोप का राइटर अभी क्या है कि देखो जो डायरेक्टर है वो उनको ही स्टोरी उनकी थी तो उन्होंने लिखी थी तो मैं उनसे कहा कि आई कैन रिक्वेस्ट जावेद साहब, बोले नहीं आई गिव हिम गुलजार साहब का नाम, ही सेड नो, तो बोले स्टोरी मेरी डायरेक्ट नहीं करूँगा, बैट मेरी बैटिंग नहीं करूँगा तो उनका वही था कि स्टोरी मेरी डायरेक्ट नहीं करूँगा, कोई और लिखेगा तो मैं नहीं करूँगा. सो वी पुल्ड इन स्क्रीन प्ले राइटर्स, वी बाउंस द स्क्रिप्ट टू मैनी बिग राइटर्स, डॉक्टर्स वी कॉल्ड इन लाइक स्क्रिप्ट डॉक्टर्स, फिर उनसे बाउंस की स्क्रिप्ट तो सबको अच्छी लगी तो आई फेल्ट कि चलो द जॉब इज़ फाइन. एंड डायलॉग्स के लिए हमने लिया है बंटी राठौड़ को जिन्होंने गोलमाल वगैरह लिखी है तो काफ़ी नॉटी डायलॉग्स हैं जैसे कि ग्लैमरस इंडस्ट्री का शॉर्टकट इज शॉर्ट स्कर्ट, तो ऐसे कई डायलॉग्स हैं फिल्म में विच इज़ वेरी लाइक लीला नाम है हमारा लीला, कोई रामलीला नहीं जो लोग टकटकी लगा के देखते रहेंगे. सो दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स आर देयर विच प्रॉब्ली हेल्प द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले टू मूव फॉरवर्ड. तो वी डिडंट फाइंड द नीड ऑफ रेनाउंड राइटर, सो दैट्स द ओनली थिंग. My question goes to Sunny, Bobby and Jay. There were rumor that Jay ka... Right, here, here. Hi. Yeah. Bobby, especially to you, aisi khabar aayi thi ki Jay ka role you were offering to Karan Oberoi. Lekin unhone shayad Sunny ke saath kaam karne se mana kar diya. Then you approached Jay and finally he took on board. Kitni sachai hai? I don't know who's Karan Oberoi. Karan Oberoi is Isi Life mein, the actor who launched by Rajshri. No, ये राइट है, कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी चली है. आई हैव हर्ड अबाउट लाइक 20 एक्टर्स क्लेमिंग टू प्ले सम रोल इन माई फिल्म विच आई डोंट नो. दीज आर माई एक्टर्स हु आर सिटिंग हियर हु अप्रोच्ड एंड दे आर पार्ट ऑफ माई फिल्म. तो काफ़ी ये अच्छी बात है बिकॉज सनी है ना तो सबको हीरो बनना है क्योंकि सबको सनी से कोई एक बोलते ना फेम मिल जाती है क्लेम कि यार मैं हीरो था यार पर मैंने नहीं किया. तो ये है कि किसको ने अप्रोच ही नहीं किया. दीज आर माई एक्टर्स वर देयर एंड दे आर विद मी राइट नाउ. देयर्स रजनीश दुग्गल वाज मिसिंग एंड राहुल देव. राहुल हां, टू पीपल आर देयर. दीस टू आर मिसिंग इन द फिल्म. सनी सी लीला इज कंप्लीट म्यूजिकल, इट हैज 9 सॉन्ग्स. No, absolutely yes. My one film is starting this month with the Akshay Kumar Airlift. That's again a thriller. Sunny, you are here to your left. Sunny, you were introduced as the queen of seduction when you walked onto the dais. How flattered do you feel? I didn't make that line up. I guess it is flattering. That it's, I guess, a nice title. I guess it could be worse, or it could be something different. But it's nice to, I guess, be flattered. So Bobby, ये सुनने में शूटिंग के लिए आपने सनी को नहलाने के लिए 100 लीटर दूध का उपयोग किया था. मैंने सोचा क्या 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 था क्या सोने that's like 95 liters जो मैंने दिया था. बहुत दूध बना 95 लीटर. आई एंजॉयड इट लाइक बिकॉज आई डिडंट वर्क फॉर लास्ट 4 इयर्स सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस लाइक वर्किंग बैक. It's not like playing my part, that's the only difference. Like, I'm playing a prince in the film. Earlier I played like different characters in my different movies. So I enjoyed working. Last two questions. Jay sir, काफी कम दिखाई देते. Jay आप बहुत कम दिखाई देते. आप बताएंगे कि कैसे How you got? मैंने जो ज़्यादा दिखा देता हूँ अभी फिर. Just from you, you look of Twitter, Instagram, now transformed
where I've been all these years, I'll have to take 2 minutes. आपको बाद में मिलता हूँ मैं सबको. But nobody knows this here that my first ever video was with Ahmed Khan. So it's been a long journey, and when they were casting, I think I was really lucky and fortunate because Bobby saw me in this look, and he said, "Yeah, तू काम क्यों नहीं कर रहा है?" तो मैं बोला, "यार अच्छा काम मिलेगा तो करूँगा यार." तो he said, "तू मेरी picture कर रहा है." Next thing, he flew me down, and I was with Ahmed in the office. Hey, bro, 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 rocking bro. I guess I'm in the film, and I hope that I surprise everybody, and I hope that we all work together because this is a dream team to work with. You know, Bhushan as supporting us as he has, and Ahmed, Bobby, shout out producer. Sorry, huh? Sorry. And मेरे को पता नहीं अगर सनी इसके बाद मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी. Love you too. It's been a great experience. I think we've shot this film real fast. The journey is just unbelievable. I don't think people are going to believe that this is just Aurora, but wait karo beta, pata chalega humne kya kiya. Cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you. Sunny, one last question. Sunny, can we call this your first real woman-centric movie? You can call it whatever you want to call it. One second, Sunny, you know how many boys are there in this film? Like, control. Or can't you? Have you seen that centric? There are 5 boys in the film chasing. Is it a centric? Control, kalo. Whole cinema. Also, when do we see you opposite the Khans? जब कॉल करेंगे बॉबी खान, अहमद खान, खान मोहित खान, सलीम खान. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्टिंग क्रू के लिए. एक पहेली लीला.
कैरेक्टराइजेशन में जैसे आप चाहते थे कि इस तरह के कैरेक्टर हों वो मिले आपको फिल्म के लिए, राइट? जी सर, मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी करीब 12 साल पहले, तो उस वक्त मुझे कभी आइडिया था नहीं कि अलाव सनी मेरे फिल्म में होंगी, कि उस समय सनी इंडिया में हिंदुस्तान में थी नहीं, बट बहुत मौके की बात है, चलो सही टाइम है कि 2015 में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सनी को कास्ट किया गया, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर सनी के लिए, आई मीन अनलाइक शी इज़ वेरी अमेरिकन वेरी कनेडियन, तो सनी को एक हिंदुस्तान की लड़की के मोल्ड में लाना, जो राय सनी जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है, तो सनी बिकॉज अमेरिकन काफ़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है पीपल इन द वेस्ट, और हमें जो हिंदुस्तान लड़की होती हैं उनका तो मतलब बोलते हैं ना चाल चलन नॉर्मली वैसी ही है, ब्यूटीफुल सेक्सी कर्वी बॉडी, तो सनी वैसी है, तो उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे उढ़ाला जाए उस कैरेक्टर के लिए जो लीला का कैरेक्टर है, और डायलॉग्स बहुत 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 मुश्किल थे उसके लिए, क्योंकि अभी बोलते हैं सनी कहती थी मैंने तो अभी हिंदी सीखी है, अभी ये भी सीखना रहती पड़ोगी, तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखनी पड़ी, मतलब जो लाइन्स थे न्यूएंसेस थे जो मीनिंग्स थे तो वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। अब 12 साल पहले आपने कहानी लिखी थी आपने बताया, तो 12 साल का एरा जो बहुत बड़ा एरा होता है, तो क्या कनेक्ट ऑडियंस आज की ऑडियंस है वो स्टोरी को कनेक्ट कर पाएगी अपने से? सी ये लीला ऐसी फिल्म है जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है जी, अगर मैं 12 साल पहले लिखी है मैं आज बनाऊँ, और लीला अगर 10 साल बाद भी बनेगी तो उसे कुछ बोलते हैं ना एक ट्रेंड नहीं है, जैसे एक ट्रेंड होता है अरे अभी चलो बेल बॉटम थे बेल बॉटम ख़त्म हो गए अभी ये आ गए, तो इट इज़ नॉट टाइम बाउंड, इट इज़ फॉर लाइफ, इन शॉर्ट लीला है री इनकारनेशन, अभी री इनकारनेशन नील कमर से बनती आ रही है, ओम शांति ओम से बनी है तो बनती रहेगी, तो री इनकारनेशन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी, जब भी आती है जो भी आज तक फिल्में बनी है री इनकारनेशन की सभी चली हैं, कुदरत ले लो ओम शांति ओम करण अर्जुन सभी चली हैं। राजस्थान के कल्चर को आपने इसमें दिखाया, तो राजस्थान के कल्चर से आप किस तरह इम्पैक्ट रहे, तो वहाँ से क्या कनेक्शन कुछ ऐसा रहा? सी राजस्थान में हम सब जाते रहते हैं जयपुर जोधपुर, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिटी, लाइट लिख लो, हाँ ठीक है स्टार्ट, तो राजस्थान हम सब जाते रहते हैं, ब्यूटीफुल सिटी एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, मगर आई थिंक हम हिंदुस्तानी से ज़्यादा जो बाहर के अंग्रेज वो बहुत आते हैं राजस्थान कल्चर देखने और उनकी जो खाने बने के लिए, तो वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, तो एंड आई वॉन्टेड राजस्थान, बिकॉज राजस्थान आपको एक बहुत बड़ा लुक देता है फिल्म में, जैसे अभी मेरी फिल्म में मैंने लंदन शूट किया हुआ है, इट्स नाइस लंदन ए सिटी है, पर जब राजस्थान पहुँचते हैं द होल फिल्म चेंजेस, जब लीला की एंट्री होती है तो लगता कि कहाँ आ गए हम, तो आई मीन इट्स अ वेरी लार्ज माउंटेड लुक ऑफ राजस्थान, तो बहुत कम जगह मिलता है उस टाइप का लोग, मतलब कहीं भी चले जाओ स्विट्जरलैंड चले जाओ अच्छा लगेगा, पर राजस्थान जैसी जगह मिलेगी नहीं, राजस्थान हो कश्मीर हो तो इट्स ब्यूटीफुल। बॉबी जी आपको नहीं लगता कि जैसे सनी लियोन के ऊपर आप इतना डिपेंड हो गए हैं कि पूरी फिल्म में आपने सिर्फ पोस्टर में उनको जगह दी है और पोस्टर में किसी भी कलाकार को आपने जगह नहीं दी है, तो सनी लियोन अब एक पिक्चर को पूरी तरह से अपने दम पे पिक्चर को खींच के ले जा सकती हैं, इस बात पे आपको पूरा बिलीव हो चुका है उनके ऊपर? नहीं ऐसे गलत जाना गलत होगा कि हम लोग सनी लियोन पे डिपेंड कर रहे हैं, सनी इज द ड्राइविंग फोर्स, सनी इज डेफिनेटली एक बहुत पॉपुलर स्टार है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और डेफिनेटली सनी के लिए बहुत से लोग इनिशियली थिएटर में आएंगे देखने के लिए, पर जैसे आपने हमारा प्रोमो देखा होगा हम लोगों ने सनी के ऊपर माउंट बिल्कुल नहीं किया, अगर प्रोमो देखोगे तो प्रोमो में सनी है पर सब खड़े हैं, उसमें आपको जय भी दिखेगा मोहित दिखेगा रजनी दिखेगा राहुल सब दिख रहे हैं, जब तक आई पोस्टर के बाद ये पोस्टर हम लोग ने बहुत पहले बनाया था, जब हम लोग ने किसको साइन नहीं किया सनी साइन थी, हम लोग ने लुक क्रिएट किया था और इतना अच्छा लोग को लगा कि हमारे पास अभी एक ही पोस्टर है, हम लोग कुछ पोस्टर बना ही नहीं पाए कि हम लोग को सोचें, एंड अगेन फिल्म का नाम लीला है तो यही लीला है, तो अगर हम लोग लीला के साथ बोलते हैं ऐसे देखो कैरेक्टर्स हैं डांसर्स हैं सब है पीछे, तो वी डिन आई मीन द जॉइंट ये था प्रोडक्शन का और क्रिएटिव टीम का कि पोस्टर को छेड़ा ना जाए, क्योंकि ये हम लोग कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं कि सब हीरो के फोटोज आ जाए, इट लुक्स नाइस प्रेजेंटेबल, हम लोग ये मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वी राइडिंग टोटली ऑन हर, शी इज द ड्राइविंग फोर्स, बट आई थिंक फिल्म इज लार्जर देन एनीथिंग। टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैकअप कर रहा है फिल्म को, तो कितना मायने रखता है ये आपके लिए और इस पिक्चर के लिए? नहीं डेफिनेटली
आज मैं बहुत खुश हूँ टी सीरीज़ और भूषण कुमार मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे भाई अहमद खान के साथ प्रोड्यूसर, दोनों जॉइंट पार्टनर हैं। तो आई मीन आई थिंक जब टी सीरीज़ आई है तो वी हैव बीन सेटल्ड, क्योंकि फिल्म तो हर प्रोड्यूसर बना लेता है बट वी नीड अ स्टूडियो। तो आज टी सीरीज़ एक स्टूडियो बन गई है जो बहुत सी खुद की फिल्में बना रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट डेफिनेटली। अहमद खान मेरे भाई और मैं बिलीव करेंगे कि जब से भूषण साथ में आए हैं तो एक बोलते ना बिगड़ कम्फर्ट जोन के फिल्म सही लेवल पर जाएगी। पहले बनती भी तो जाती पर ऐसे लेवल पर नहीं जाती, क्योंकि इसका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया है जिसमें बहुत बड़ा हाथ भूषण कुमार का ये टी सीरीज़ का। आई थिंक इज़ अ वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट हैविंग टी सीरीज़ और मैं भी खुश हूँ। सुना गाने काफ़ी अच्छे, 9 गाने के आसपास आपने, तो म्यूज़िक को काफ़ी जोर दिया फिल्म में आपने, उसके बारे में? नहीं, एक्चुअली जब मैंने कहानी लिखी थी उसमें म्यूज़िक था नहीं जी। तो म्यूज़िक चूँकि मैंने, अगर मेरा बैकग्राउंड तो मैंने कुछ 350 म्यूज़िक वीडियो मैंने टी सीरीज़ के किए हैं लाइफ में, तो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िकल है, मेरे भाई कोरियोग्राफर हैं। तो हम लोग जब मैं लिखता हूँ कहानी तो मैं कहानी लिखता हूँ, पर हिंदी फिल्म में म्यूज़िक आना चाहिए और हमारे पास सिचुएशन थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाना डालूंगा थे, पर देन अहमद केम ऑन बोर्ड कि इसको म्यूज़िकल बन सकती है, कुड बी लॉट ऑफ म्यूज़िक। देन व्हेन टी सीरीज केम ऑन बोर्ड देन वी हैड द आइडिया कि भूषण ने मुझे पूछा भी कि गाने डालें ऐसे ऐसे, वी कैन पुट इट, मेरे पास इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, ये 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 फोटोशूट गाना हो सकता है, तो फोटोशूट शूट था, म्यूज़िक गाना करते हैं, गाना कर देते हैं, तो गुड आइडिया। तो उनका था कि तो हम लोग कहते करते एक्चुअली 9 गाने आ गए, और आप जो भी गाना देखोगे ऐसे नहीं कि उसे कहा कि 9 गाने फिट किए, नहीं, 9 में करीबन 4 गाने हैं जो सीन्स हैं मेरे लिट, जो मैंने खुद ही शूट किए हैं, वो पार्ट ऑफ माय फिल्म चल रही है। अगर आप फ्रैंकली ना, खुदा भी जब मेरा गाना है, अगर आप उठ के निकल जाते हो बाथरूम तो आप पिक्चर मिस कर जाओगे, अरे क्या हुआ यार पिक्चर आगे निकल गई, तेरे बिन गाना गा रहा है, तो पूरा सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, डांस है ही कहाँ, वो गीटा तेरे बिन गाना गा रहा है, सनी के रिएक्शन, मोहित के रिएक्शन, जसोड़ो की एंट्री, पूरा प्री ग्लैमिक सॉन्ग है, जो सब गाने में मेरे ग्लैमिक रखिया में भी गाना चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है, मोहित की एंट्री घोड़े पे हो रही है, तो ऑल सॉन्ग्स आर पार्ट ऑफ माय फिल्म। तो हम लोग ने इसके लिए जब गाने आए तो ब्यूटीफुली हम लोग ने इसको वीव कर दिया कि कोई भी गाना जफोस ना लगे। आखिरी सवाल आपसे, डायरेक्ट किया आपने फिल्म को, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने और दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? सी इट वॉज इट्स अब मैं कहना चाहूँगा बहुत डिफिकल्ट फिल्म है लीला, क्योंकि लीला एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, इट इज़ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, और हमको इसके लिए कहना मुश्किल, बहुत मुश्किल था एक्चुअली राइटिंग स्टेज पे। जब मेरे राइटर्स हैं आए थे, जब जोजो खान जिसने स्क्रीन पे लिखा है और बंटी राठौड़ जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, क्योंकि मेरी एक फिल्म थी मुझे बनानी थी, पर इतनी ट्रिकी है सस्पेंस, मैं कहने जाऊँगा कि आप देखोगे ना, मैं कहूँगा कि हर आधे घंटे के बाद पब्लिक के रोंगटे खड़े होंगे, अरे ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। तो वो मैंने ना थोड़ा उनको थ्रिल पे लेके सस्पेंस और डराया, आगे गए तो बहुत मुश्किल था कि एक गलत डायलॉग से मेरी पिक्चर फूट जाएगी, अरे यार ऐसा है क्या, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। तो आज जब बोलोगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसे है कि पिक्चर चले, लोगों को दर्शकों को पसंद आए और पसंद आएगी, कुछ जितनी भी रिव्यूज़ हुई हैं हमारी जिसने पिक्चर देखी है सबको पसंद आई है, और सस्पेंस कोई पकड़ नहीं पाया, तो हम सोचे थे कि आई मीन हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, हम लोग राइटर्स ऐसे फिल्म मेकर सोचते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, छोटे छोटे बच्चे ना इतने चालाक हैं, अरे ये है सस्पेंस, अरे ऐसा होगा पूरी स्टोरी खोल डालते हैं। तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम लोग कैसे पब्लिक को घुमाएं कि पकड़ नहीं पाए, और मैं खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ कि पकड़ नहीं पाएगी। चलिए लास्टली, आप 10th को रिलीज हो रही है, तो एक बार आप लोगों से बोल दें कि 10th को कौन चाह रहे क्या चाह रहे हैं? INS ना, इंडो एशियन न्यूज़, तो INS बोल दो ना। हाय, दिस इज़ बॉबी खान और आप मुझे देख रहे हैं INS पे। मेरी फिल्म एक पहली लीला 10 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो आप प्लीज़ देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छे गाने, लोकेशंस, एक्शन, फुल ऑन बॉलीवुड मसाला फिल्म है, एंड यू रियली एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। सनी,
आपका पिछला गाना बेबी डॉल काफ़ी हिट हुआ था और इस पिक्चर में भी पेपर डॉल इंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप एक डॉल बनती जा रही हैं बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे इस बात? बहुत खुशी हो रही है दैट द टू आर लिंक्ड, but I mean even though they're not linked, it's, you know, it sounds like it is, but I'm happy that I got to work with Emmett and Paper Doll team and I got to make this movie. Jay, aapse janna chahenge 12 saal pehle ye kahani likhi gayi thi, to ab kya aapko lagta hai ki is daur mein iska implementation ho payega? 12 saal ye kahani 12 saal pehle ye likhi gayi thi, lekin uske baad changes bahut sare hue the aaj ke hisab se. Agar aap 12 saal pehle ki script padhenge aur aaj ki jo script padhenge, उसमें ह्यूज डिफरेंस है. उसमें ये फिल्म इस तरह से, जब ये फिल्म जब पेपर में लिखी गई थी तो बॉबी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसे इतनी बड़ी फिल्म बनाऊंगा. वो फिल्म में यू नो ग्रेजुअली जो मार्केट की डिमांड रहती है, यस मॉडर्न स्पेस, और काफ़ी कुछ आज के हिसाब से ही फिल्म में उसमें चेंजेस किए गए. आई यू आर राइट, मतलब वो 12 साल पहले जो राइटिंग लिखे गए थे, डायलॉग्स लिखे गए थे, वो आज ये वो डायलॉग्स नहीं है. वो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं उसमें. थॉट वो होगा, थॉट तो मतलब यू नो 12 साल पुराना हो या फिर अगर यूनिक हो, अगर डिफरेंट हो, तो डेफिनेटली इट वर्क्स. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट वर्क्स. बाद में फिल्म में डायलॉग्स ये सब तो यू नो आज के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं. 12 साल पहले इनका एक डायलॉग फिल्म में जो है कि यू नो फैशन इंडस्ट्री का शॉर्टकट है शॉर्ट स्कर्ट, ये शायद 12 साल पहले नहीं लिख सकते थे कोई भी. तो वो आज के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है. जिस दैट कॉन्सेप्ट जो था वो 12 साल पहले यू नो बॉबी एंड अहमद ने सोचा था और आज उसे यू नो इम्प्लीमेंट. द स्टोरी दैट आई रेड, जब मैं बॉबी को मीट किया और उसने मुझे स्टोरी सेंड किया, वो स्टोरी डिफरेंट है. बट दैट्स ओके. कॉन्सेप्ट लाइक जे सेड, कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट अ लॉट ऑफ द थिंग्स वर चेंज्ड टू बी मोर मॉडर्नाइज्ड. जय, आपके सपने में आती हैं, आपके सपने में आती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो वो क्या चीज़ है नहीं कुछ जैसे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता दूँ, फिर शायद आपको समझ में आएगा. ये मेरे कैरेक्टर का नाम करण है, जो एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में. हैप्पी गो लकी गाय गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसके प्रेजेंट की वजह से नहीं, उसके पास्ट की वजह से है, जो उसे कुछ आइडिया भी नहीं है. एंड उसे हमेशा ये ड्रीम्स आते हैं दैट अबाउट दिस गर्ल कॉल्ड लीला, और भैरव श्रवण ये करके कैरेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा उनके सपने में आते रहते हैं, उन्हें हॉन्ट करते रहते हैं. तो वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कारण क्या है इसका. और यहीं से कहानी शुरू होती है. एंड एक कहानी मुंबई से शुरू होती है, एक कहानी लंदन से शुरू होती है. एंड मुंबई वाली कहानी मेरी है, लंदन वाली कहानी सनी की है, एंड वी बोथ मीट इन राजस्थान एंड द स्टोरी एंड्स इन राजस्थान. सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दिस. सनी, आप बताएं कि लीला है क्या पूरी फिल्म में, एक पहेली क्या है और लीला क्या है? As Jay always said, you say the dialogue. Yeah, I like when you say इसको ये एक dialogue and then I'll speak. Well, ये जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इस तरह से you know ये करता हूँ. इस फिल्म का नाम लीला भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पहेली लीला इसे रखा है क्योंकि इस फिल्म का एक पहेली जो है वो शायद मैं हूँ और लीला जो है वो सनी है. सो मतलब पहेली आप सुलझा रहे हैं पूरी तरह. यस yes, इस पूरे फिल्म में मैं पहेली सुलझा रहा हूँ कि ये लीला कौन है, ये श्रवण कौन है, ये भैरव कौन है, और ये मेरे सपने में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, रीज़न क्या है, और यहाँ से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है. सो ये इसलिए मैं इसे एक पहेली करता हूँ. और इस फिल्म में बेस्ट चीज़ यही है, इसकी ये जो USP है कि ऑडियंस को भी वो उतना इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमने क्लूज़ भी दिए हैं शुरू में. अगर वो ध्यान से उस मूवी को देखें और अगर समझो उसे समझने की कोशिश करें उन्हें एक एक डायलॉग्स को, तो शायद वो उस पहेली को बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते हैं. और अगर समझो सॉल्व कर लिया और अगर वही एंड हुआ, तो यूजुअली यस मैंने कहा था ना 20 मिनट के पहले क्या बोला था कि ये होगा ये, तो वो पूरी यू नो इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए. अभी मेरी बात बॉबी खान से हुई तो उन्होंने बोला ऑडियंस आजकल काफ़ी चालाक हो गई है, तो उनको क्या पता. तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पिक्चर को बाधा हूँ, हर समय हर पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों बिल्कुल. तो वो रहस्य किस तरह से बरकरार रख पाएंगे आप पिक्चर? कभी आपको इस फिल्म में लगेगा कि कहीं ये हॉरर फिल्म है, कभी आपको लगेगा कि ये एक यू नो ड्रामा फिल्म है, कहीं आपको लगेगा कि ये एक क्या कहते हैं सस्पेंस है. तो उसे यू नो अच्छी तरह से मिक्स किया गया है, और जैसे यू नो मैंने कहा था कि क्लूज़ जो दिए हैं उससे इंटरेस्ट लेवल काफ़ी बढ़ा रहेगा. एंड स्पेशली जो 9 गाने भी हैं
वो 9 गानों को भी हमने ऐसे गाने नहीं बनाए हैं, वो एक स्टोरी बताई है उसके अंदर। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे गानों को भी, अगर आपको लगता है कि वो गानों के बीच में मैं अगर समझो पॉपकॉर्न लेने चले जाऊँ, तो शायद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू उस गाने के थ्रू मिस कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सनी टी सीरीज जैसा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में से कहा जाता है, तो उतना बड़ा ब्रांड आपको बैकअप कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात आपके लिए है, मायने कितने रखती है? शुरू से आई थिंक टी सीरीज इज बीन अ पार्ट ऑफ मेरा जर्नी जो है, एंड द बिगेस्ट सॉन्ग जो टी सीरीज ने मुझे दिया अलॉन्ग विथ मिस एक्टा कपूर वॉज बेबी डॉल, एंड वो सॉन्ग में मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ। आई थिंक एवरीबडी विल अग्री विथ मी दैट इट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, एंड आई एम हैप्पी टू हैव टी सीरीज एज अ बैकिंग। आई थिंक दैट मिस्टर भूषण कुमार हैज डन एन अमेजिंग जॉब विथ अ लॉट ऑफ हिज सॉन्ग्स विथ हिज कंपनी विथ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट ही डिसाइड्स टू टेक ऑन, एंड when he signed on for this movie I think it was the best, because when you're backed up by such a big company and you're given such support, kyunki hamesha aisa hota nahi hai that itne bade log aapko support karte hain, so jab aisa hota hai then obviously acha lagta hai ji ha, aur ek film ek actor ke liye hamesha wo hi ek fear rehta hai hamesha ek film sign karne ke waqt ki ये लोग ये प्रोडक्शन ये टीम अच्छी तरह से उसे प्रमोट कर पाएगी कि नहीं, एंड व्हेन इट कम्स टू टी सीरीज यू आर सॉर्टेड, यू नो दैट यू नो अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसे अच्छी तरह से लोगों के सामने लेकर आएंगे। या तो बहुत सारी फिल्म्स आती हैं जो कब आई कब गई पता भी नहीं चलता, यू डोंट इवन नो दैट अमेजिंग मूवीज वो एक्चुअली अमेजिंग मूवीज होते हैं, बट अगर वो प्रमोशनल वो बैकिंग नहीं होता देन समटाइम्स वर्क नहीं होता है, यू कैन हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड राइट, एंड वो फिर डिसअपॉइंटिंग रहता है एज एन एक्टर के लिए भी कि oh I gave my one layer for this film and at the end nobody even watched the film. Sunny, aapko ek donor ke hi role mile abhi tak, to kya is film mein darshakon ke expectations aapse badhenge ki isme acting aapki nikhar ke samne aayegi logon ke I'm hoping that jab log ye film dekhenge ye growth dekhenge mera as an actress, as a dancer, as just mera presence jo hai screen pe. Agar aap first movie dekhte ho aur ye movie dekhte ho, it's night and day. Kyunki wo first film mein mujhe malum nahi hai mera sir kahan hai mere pair kahan hai, so I don't know one side to the other, and for that Pooja Bhatt and Mahesh Bhatri, they took a lot of patience to work with somebody so green, so new, but with this film I feel like I had that footing down. I learned a lot acting mein, dancing sab cheez mein. लास्ट सवाल आप लोगों से, दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत होगी इस फिल्म के लिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी है कि आइए इस फिल्म को देखिए एंड अपना यू नो रिएक्शन दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन द राइट्स टू द ऑडियंस कि वो 300 रुपये की टिकट खरीदते हैं और वो फिल्म देखने जाते हैं, सो मुझे कभी ऐसा ख़राब नहीं लगता कि अगर वो कहते हैं कि अरे यार फिल्म मज़ा नहीं आया, या फिर कहते हैं कि अच्छा भी लगा तो भी अच्छा लगता है, और अगर समझो नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू नो वी हैव गिवन दैट राइट टू देम। ऐसा नहीं, टीवी एक अलग चीज़ हो जाती है, दैट यू नो यू आर एक्चुअली एंटरिंग देयर हाउस, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो उसमें होता भी है कि आप कभी समझो एक सीन आपको पसंद भी नहीं आता तो भी वो इतना डीपली थॉट में नहीं जाते, कहते कि ठीक है वो फैन में मूव ऑन कर जाते हैं, नेक्स्ट सीन उसे कवर अप कर लेता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है। सो आई जस्ट वांट ऑल माय फैंस द ऑडियंस दैट कि वो आए इस फिल्म को देखे एंड अप्रिशिएट करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई है इसमें। The canvas is big, the songs are great, 9 super hit songs. What do you want more? Sunny, aap expectation? Follow-up kaise karu? But I think as far as my position goes, I hope that mere fans jo hai ye movie dekhe, they'll say, oh, Sunny's growing. Aise mujhe ye decent actress, ye mujhe chahiye in that zone. But also, as Jay was saying, is moving 9 gaane that everybody's been listening to. Hamare paas sirf ek hi gaana reh gaya that everybody will get to see, which is Jay's song. And I think, if nothing more, agar story acha laga, acha nahi laga, wo viewers
आप डिसाइड करेंगे. हम तो बहुत बायस है, बट आई थिंक व्हेन आई वॉच इट, व्हेन आई वॉच द सॉन्ग्स, ये इतना बड़ा कैनवस, इतना अच्छा लोकेशन राजस्थान में शूट किया, एम ए खान मेड श्योर सब फ्रेम ऐसा इतना अच्छा लगेगा दैट दे विल एंजॉय. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
Well, अभी हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग दिस ह्यूज ह्यूज सेट एंड दिस इज द अटायर ऑफ इट्स अ वेरी इट्स अ आई गेस इट वुड बी अ कैजुअल लुक फॉर द प्रिंसेस इन द मूवी सो दैट्स माय अटायर आई मीन a princess wouldn't come dressed in jeans and a ganji, right? Sunny, the throne plays a major role in this film in which you are sitting. The throne that I'm sitting on, yes, it plays a major role in this film. The chair is significant to the past life, which we will get into in this movie. कहानी और किरदार के बारे में थोड़ा विस्तार में लेकर जाएंगे डिटेल अबाउट इन डिटेल्स वेल माय कैरेक्टर हैज टू मेजर कैरेक्टर्स इन दिस मूवी व्हिच इज अ प्रेजेंट एंड देन देयर इज लीला हु इज फ्रॉम द पास्ट व्हिच इज द अवतार दैट यू हैव ऑलरेडी सीन दैट पोस्टर व्हेन यू कम इनसाइड फिल्म सिटी सो दैट्स द पास्ट लाइफ कैरेक्टर And it's she's a model from London, and she ends up coming here to Rajasthan, falls in love with the prince, and the story is about a reincarnation that happens in the past. And you guys are gonna have to watch the movie before I spill the beans. I think director producer made it beach. You're the first film to work with Mr. Bobby Khan as the director. So how did you feel to work with him? It felt great working with Bobby and Emmett and the entire team, particularly Bobby, because we, myself and my husband, we had friendship for a very long time, and finally Leela had come together, and we waited such a long time, and Bobby always from the very first, he was like, I want Sunny for this movie, I just want Sunny, and I want Sunny to be Leela, and I was very happy that he cast me for this role, because Sunny, it's a role of a lifetime. Daniel is also playing a role in this film. Daniel ka chota sa role hai, but sabse cute, I mean, to me, sabse cute role hai, and I think that when you see him in the movies, I mean, if you, all the ladies out there that like men in uniform, that's gonna be Daniel. Do you want to work with Daniel in a full-fledged character in your film? You know, you work with him, like, you know, full character with him. अगर चांस मिलता है डेनियल के साथ काम करना देन ऑफ कोर्स आई वुड लव टू व्हाट इज द रोल ऑफ द डेनियल इज ही प्लेइंग द पायलट व्हेयर डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेनियल इज प्लेइंग अ पायलट इन द मूवी ही लुक्स वेरी हैंडसम इन अ यूनिफॉर्म सनी आर यू आल्सो डूइंग सेमी क्लासिकल डांस यू लर्न फॉर दिस मूवी एक पहली लीला हैज 9 huge amazing songs and wo 9 songs mein we have Indian dancing we have modern and western and hip a little bit of hip hop we have all sorts of different types of dancing that goes on in this movie on top of everything that you've seen me do seen Sunny do you're also going to get to see me do things I've never done before and avatars that you've never seen ever maybe later on I'll show you what's on my phone. Have you shot for a biggest plane in the world in this film, like in a Boeing or something? Is it? We shot, I think it was a 777. I think it was a really, really big plane we shot in London. It was like -2 outside. All of us were freezing. It was a huge airport where a lot of different people do a lot of shooting, American movies do shooting all over the world. People shoot here when they need a plane in London. How was this, like, you shot on the top of the plane or inside the plane? Humne plane ke andar shoot kiya. And I mean, it's a typical plane scene where we're in the plane and there's dialogue and everything inside. So it was fun. Which genre is this film? Is it thriller? Is it erotic? I wouldn't say it's in the erotic zone. Of course, there are moments in this movie that are very beautiful, that are very sensual. There are, you know, shots that you might consider erotic. But this movie falls into a little bit of drama. There's action. You know, for jo Bollywood movies, there's a little bit of everything for everyone. And I think when you watch it, it's going to take you on highs and you go lows and highs and lows in this entire movie. There's twists and turns everywhere. I believe that when people watch this movie, their favorite part, which is my favorite part, will be the past look of Leela.
that and complete it. I think the favorite part will be the past look, which is Leela, the avatar that everybody's already seen. Sunny, how did you prepare yourself for the Leela for the princess? Have you done some special preparation for that role? I did a lot of, sitting and talking with Bobby and Emmett himself, and just really perfecting, the look of this film, which is really important to everyone. Hitesh Kapopra, who did all this, styling for this movie with the help of Shira and Emmett, completing this look that they wanted. Hitesh did an amazing job styling every single look in this movie. Preparing to be a princess, I think that every girl, every little girl out there is a princess at heart, which is not too hard to get into that avatar once you're dressed up and you have all this jewelry on and you just feel like a princess when you look like one. Sunny, is this year quite easy for you? Because three movies are coming, Vanshi Raade, this movie and One Night Stand. So this year is easy for you? I think ye saal mera sabse bada year hoga up to date, and God willing, I'll knock on my own head that people love this movie along with all the other ones. I think there's going to be three to five movies this year. Rajasthani language bhi sikhi, did you learn Rajasthani? I learned a very old style of speaking. Leela doesn't speak Hindi like we speak. Leela speaks a different language. एक लाइन अगर आप बोल दें तो अगर एक लाइन अगर आप कोई भी कोई भी टक टक की लगा के देखेगा और लीला नाम है मारा लीला राम लीला कोनी सनी we are seeing you in award functions these days. Would you expecting some awards this year for coming year for your performance? I hope during the award season next year that if I'm not nominated, that people just enjoy my work and appreciate everything that I've done. I've worked very, very hard this last year. It was a working year for me. And this year, everything's completing. Leela finishes, Masi Zade finishes, Kuch Kuch Locha also finishes. So between those three movies, they're almost finished and they're going to be released. And I hope that people just see. मैंने इतना काम किया and I tried to work very very hard and hopefully they like it. इन दिनों देख रहे हैं जो एक्ट्रेसेस हैं वो अवार्ड से दूर होती जा रही हैं. कंगना is getting awards but she's not there to accept the awards. I think that sometimes जब award functions होते maybe they don't fit in the schedule and अगर movie नहीं होता then award function नहीं होता है. So they both go hand in hand. Maybe some actors or actresses they get very busy. Filmfare was the only award show that I attended this year because mera schedule both busy tha. But they're consciously drifting apart from the awards, the actresses. आपको award में विश्वास है? Like, do you consider them worth for you? मुझे अवार्ड फंक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देन आई गेट टू सी एवरीबॉडी क्या पहन रहे गेट टू मीट पीपल दैट आई हैव नेवर मेट बिफोर आई पर्सनली लव हम क्योंकि यू गेट टू ड्रेस अप इवन दो छोटा सा टाइम लाइक इट्स ओनली फॉर अ स्मॉल लेंथ ऑफ टाइम यू गेट टू ड्रेस अप इन अ ब्यूटीफुल गाउन बट आई एंजॉय देम बट हैव यू सीन अर्जुन कपूर एंड रणवीर सिंह रोज दैट हैज बीन गोइंग वायरल ऑन यूट्यूब हम लीला के बारे में बात कर रहे हैं No, I haven't. But I believe in America that the roast that goes on there, you kind of know what you're getting into. I haven't seen what happened here. And you have to take it with a grain of salt and laugh it off and just let it go, I guess. If you agree to go on the show. I think that agar main jaati hu then they'll have material for years. They won't run out of material for me. Do you think they can be modeled? Are Leela ke baat karo na, chalo. You are a part of Bollywood. Everybody is voicing their opinion, so you don't want to be a part of. Everybody voices Everybody their own opinion. Bollywood I think I just voice my own opinion. So. Yeah, so but ask me a question about Leela. Sunny, आपने खान के साथ अभी एक भी बार कड़क ये चाहिए कौन पूछेगा वैलेंटाइन इज राउ से कौन है जो बिजी में 3 फिल्म दिस ईयर हाउ इज गोना मेक टाइम आउट ऑफ कैनेडा actually we're going to be in Canada shooting the last
portion of the documentary that I'm making right now. And I'm going back to my hometown, Sarnia, Ontario, Canada. And we'll be having a really nice dinner in probably one of the only restaurants they have there. It's a very small town. And I guess I'm just happy that we'll be together. अरे वो बहुत लोडेड क्वेश्चन है। अगर खान की बात है तो हमने आपको सलमान खान के साथ आज तक की भी फिल्म में एक छोटा सा अगर आइटम नंबर की बात हो या कभी भी अगर ऑन अवार्ड फंक्शन की बात हो मतलब समय है हमने आपको देखा नहीं है तो क्या कभी सलमान खान ने कुछ आपको अप्रोच किया है किसी फिल्म में एक खास अपीयरेंस के लिए अभी तो नहीं बट आई होप एंड आई विश दैट वन डे आई गेट टू वर्क विद हिम आई थिंक दैट It doesn't get any bigger than Salman Khan. So. Salman se hoti hai aapki baat agar sometimes kabhi kuch baat. Yeah, every time I see him, he's very friendly. He's one of the nicest people that I've met. Goes out of his way, says hello to me, says hello to my husband. So I respect him very highly. Sunny, what is your dream role? Which actor ke saath aap kaam karna chahoge? Ye Leela ka kya? Aapka dream character kaun sa hai? Role kaun sa hai? You know, to tell you the truth, this movie, when you see this promo on the 6th, you'll understand why this is my dream role. And I hope that I get to play some of these types of characters, or even the looks, the feels, the amount of... the amount of things that go on in this movie. I think once you see the promo, you guys are gonna go mad. Sunny, is it true that it is called that the story is based on an obscene tweet? So is that true? Is it what? Obscene? An obscene tweet? Based on obscene. Yeah, the queen who can do anything to fulfill her passion. The story is not on a queen, my gaon ki ladki hoon. So very far from a queen or in the movie, as far as the past look goes. In the present, I'm a princess in the movie, so you have to watch it. Last question. Sunny, now do you watch cricket? अरे लीला से क्रिकेट वी नो एवरीथिंग अबाउट लीला नाउ एंड आई एम श्योर मोर देन दिस यू विल नॉट रिवील सो नाउ इफ यू वुड लाइक टू से इफ देयर कैन बी मॉरल पुलिसिंग ऑन वेब कंटेंट बिकॉज़ इट्स सो वास्ट कैन देयर बी अकॉर्डिंग टू यू आई बिलीव इन अमेरिका देयर्स अ लॉट ऑफ मॉरल पुलिसिंग दैट गोस ऑन आई नो दैट इफ समबडी डिमीन्स यू इन पब्लिक ऑनलाइन on social forums that there are repercussions for that. Here in India, it takes a little bit more effort to do. I've tried it, it didn't work. So I hope and I pray that, you know, that it kind of gets under control. There was a lot of vulgarity shown on AIB shoot. What is your take on that? You don't like the content, don't watch it. You spoke about cricket, a small bit about your expectations and do you, would you like to wish, especially they have sent the Asked us to take your wishes. World Cup is on the corner. Right. And India is a part of it. Well, I wish and I pray that India makes it and they win the World Cup. Any favorite player? अरे क्या क्वेश्चन है? I like all cricketers. How's that sound? Thank you.
Thank you. Okay, Lenny Leone, please. I'll say Sunny Leone, and you know what? Question. As we all know, this week is the movie release week. So how do you feel? Please. Okay.
say thank you. मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ and thank you. मुझे इतना प्यार इतना support दिया. Thank you so much. And I hope that 10th of April आप लीला जरूर देखो please. And I'll see you at the movies. अगर दिल भरा नहीं तो 10th of April पे on screen देखना एक पहली लीला. Thank you so much. It was lovely to have you here. Thanks a lot. Can we play the music please? हम लोगों ने तो शूट किया है तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगी, होपफुली पब्लिक को पसंद आएगी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड शुड बी अ गुड फिल्म, शुड बी अ हिट फिल्म एंड हीट तो है मार्केट में, गाने भी सब अच्छे हैं और जो पास्ट में और प्रेजेंट में हो रहा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स होप कि ऑडियंस को बहुत पसंद है. बॉबी खान की डेब्यू फिल्म है जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी बहुत अच्छा रहा, मैं उनको पहले से जानता हूँ, इनफैक्ट अहमद भाई को काफ़ी अच्छी तरह पहले से जानता हूँ, तो वंस वी स्टार्टेड शूटिंग इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो बहुत एज अ डायरेक्टर बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या क्या चाहिए एक सीन में, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या किस हिसाब से यहाँ से वहाँ मूवमेंट्स चाहिए वो सब उनको बहुत क्लियर है, तो विजुअली जो बंदा क्लियर होता है वो आई थिंक इवेंचुअली एक अच्छी चीज़ बनाता है. सनी तो आप बताइए कैसी थी फिल्म में, क्योंकि जो भी आपने देखा है वो अच्छा ही लग रहा है और हॉट लग रहा है एंड अदरवाइज शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड ऑल द बेस्ट. आई एम लाइक आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव अ ग्रेट टीम हियर. और कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर फिल्म देखने आने वाले हैं आज? यार मेरे को तो पता नहीं, मैं अभी स्क्रीनिंग के लिए आया हूँ. आई थॉट आई डिडंट नो कि प्रेस भी होगी. आई थॉट दिस इज़ अ वेरी पर्सनल स्क्रीनिंग एंड सारी फिल्म का क्रू होगा और साथ में थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स हैं वो होंगे. प्रमोशन के लिए कहाँ? यार प्रमोशन के लिए रेडियो सारे कवर हो गए, सारी सब कुछ प्रेस तो कवर हो ही गया. अभी और कुछ आइडिया मतलब मन में चला? अभी आइडिया लास्ट मिनट अगर हुआ तो हो जाएगा. आईपीएल मोस्ट लाइकली के कुछ मैचेस होंगे जहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि अब पूरा एक हफ्ता हमारे पास है जो फ्री है. थैंक यू. कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीला के साथ? ब्लॉकबस्टर हो जाए बस, छोटी मोटी 200-300 करोड़ कमा ले बस. नहीं यार थोड़ा सोचें कि अच्छी खासी चल जाए, बिकॉज मेहनत सबने की है, हर फिल्म में कब लोग मेहनत करते हैं, बट इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा वी हैव गॉन लिटिल ओवरबोर्ड विद द विजुअल्स एंड एवरीथिंग. 9 गाने शूट हुए हैं एंड काफ़ी चीज़ कोशिश की नहीं दर्शाने की लोगों को. तो अपने भाई के साथ काम कर रहे हैं बॉबी खान ने डेब्यू फिल्म की,
कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके काम के साथ या किस तरह से कुछ? सी इट्स अ फेयर डील. अगर पिक्चर अच्छी लगी तो बॉबी खान विल बी नोन एज अ डायरेक्टर, एंड अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड अगेन नेक्स्ट टाइम, यू नो. बट एज फार एज दिस फिल्म गोज, ही इज़ वर्कड वेरी वेल, एंड हम सब खुश हैं उनके काम से, एंड जस्टिफाई किया है जो उन्होंने लिखा था. ऐसे कहा जाता है ओपनिंग फिल्म की बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फिल्म के लिए, तो इस फिल्म के साथ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपनिंग अगर अच्छी मिल जाए तो फिल्म कहीं ना कहीं चल सकती? वेल, ओपनिंग आजकल यू हो गया है कि ओपनिंग सेट्स द ट्रेंड ऑफ अ फिल्म, और कई फिल्में ऐसी होती है विच आर वर्ड ऑफ माउथ, जिन्हें ओपनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और कई फिल्में ऐसी होती है विच नीड्स ओपनिंग टू सस्टेन दैट वीकेंड. तो लीला इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स विच नीड्स अ बिग ओपनिंग. बिग मतलब आज के सिनेरियो में जो भी बड़ी ओपनिंग होती है वो, एंड सस्टेनिंग की बात ये होती है कि आई थिंक द फिल्म इज़ क्वाइट गुड दैट इट शुड सस्टेन, एंड बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है उन्हें क्या पसंद आया ना पसंद आया, दैट्स द थिंग. फिल्म का रिलीज होने वाली है, कितनी स्क्रीन्स में रिलीज होने वाली है, ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली अगर बात करें? हम लोग ऑल इंडिया है अबाउट 1700 प्रॉपर्टीज़ में, और 2000 शोज़ है अपने, तो इट्स क्वाइट अ वास्ट रिलीज, एंड वी आर क्वाइट ओके, वी आर क्वाइट नर्वस आल्सो एट द सेम टाइम. तो कहीं ना कहीं लीना कल रिलीज होगी, इसका कुछ सीक्वल या इस तरह से कुछ प्लान चल रहा है अभी? नहीं, ये सीक्वल ऑलरेडी है बिकॉज पहली थी रामलीला, तो नहीं ये एक पहली लीला है और दूसरी होगी लीला सुलझ गई. ये उम्मीद करते हैं फिल्म सुपर हिट हो जाए. थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी प्ले द सेम टाइम वर्क्स. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैं बहुत नर्वस हूँ. आई एम नर्वस, आई एम स्केयर्ड, आई एम यू नो जो भी खिचड़ी में डालते हैं वो भी हो रहा है मेरे अंदर. आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिलीज है आफ्टर वन ईयर, एंड आई होप दैट एवरीबडी लाइक्स ऑल द हार्ड वर्क. कितनी उम्मीद है मैडम फिल्म? हाँ जी, फिल्म से कितनी उम्मीद है? मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक दैट जब लोग देखेंगे 9 songs, acha story, I'm in it, the boys are in it, so I think the people are going to love it. Sunny, the songs is being loved by the people all over. How are your expectations about the songs? Jab maine songs sune for the first time, I love the songs, and based on just reports and based on YouTube hits, based on how many people are loving it, how many times I hear it on the radio, I think that people love the songs, and God willing when they watch it on that big screen, but it बड़े पर्दे में, that they'll love it. क्या किस तरह से रहा ये पूरा जो schedule है आपका काम करना? On and on, you're working on 5 films. Yes, actually I'm signed for 7 films this year, and Ek Paheli Leela is the first release of this year. I'm not sure how many films will be released throughout the year, but this is the first, and I'm very excited that this is number one. And yes, the schedule has been extremely busy, crazy schedule, working all day long, but this is what I want, this is my dream, this is what I want to do. So at the end of the day, jab main bahut tired hu, main ye sochti hu ki ye mera chance hai to be here, and main happy hu. Thank you, Sunny. Thank you so much. Thank you. Good night, guys. I hope you like the film.
अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं चलिए रोलिंग। तो कल लीला रिलीज होने वाली है और स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म के साथ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली बार मुझे बड़े पर्दे पे लोग देखेंगे, वो भी सनी के साथ ऑफ कोर्स। और मैं बहुत थोड़ा, मैं कभी नर्वस होता नहीं हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, आई थिंक। पर आई थिंक मूवी जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से इतनी मेहनत लगी है फिल्म में, आई थिंक अहमद खान जी ने इतना खूबसूरती से गाने करे हैं, पूरी प्रोड्यूस की है फिल्म, आई थिंक बॉबी खान जी ने जितने इतनी अमेजिंग डायरेक्शन दी है, तो आई थिंक सनी ऑफकोर्स आपने देखा होगा प्रोमोज, कितनी अमेजिंग लग रही है, सो आई थिंक आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। वेल I'm very excited to see Andy, of course, on the silver screen. So, and I'm also very excited to see the movie, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेलर से आप देख सकते हो कि it's really looking like different and fab. Like you're getting to see Sunny in all these different kind of looks and characters, which I feel is like amazing. So I'm very excited to see it. And I'm here to support Andu. So yeah. जी मेरे सबसे बेस्ट गाने पूरे फिल्म के पूरे हैं, क्योंकि अहमद जी ने कोरियोग्राफ किए हैं और डांस डायरेक्शन दिया है, पर अगर सबसे बेस्ट सनी के लिए मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि देसी लुक है बहुत अमेजिंग, ऑब्वियसली ग्लैमर सखियाँ भी बहुत अमेजिंग है, वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो आप लोगों की फिल्म को आ रही है, किसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दोनों एक साथ? क्या पता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है। तो अभी व्हाट आर योर प्लान्स, कुछ फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स आपके, कोई कुछ कर रहे हो आप आगे? एक मेरी अभी ये तो पहली रिलीज, इसके बाद शायद इस साल में एक और आएगी, इनका मुझे पता नहीं है ना, मैं बोलूंगा। हाँ, मेरा तो किस किस को प्यार करूँ कपिल शर्मा के साथ ना, और उसके बाद हाँ जैसे एंडी ने कहा अभी तक कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट या Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Let's move.